वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कल के दिन मंथ 23rd ऑफ अक्टूबर को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो एक जो छोटी सी होप नज़र आ रही थी हम लोग को इनसाइड कैंडल बना के ऊपर क्यों निकलेगा, वो भी आज यहाँ पे रेड कैंडल बन गया है। अब एक चीज़ हमारे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ा कैंडल है, ठीक है। अब इस बड़े कैंडल के अंदर दो कैंडल बन गया। मैं क्या चाहता हूँ कि दो तीन कैंडल और इसी बड़े कैंडल के अंदर बने, ठीक है। एंड उसके बाद इसका जो ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, तो दो चार कैंडल और बन जाते हैं तो हम लोग को क्लियरली पता चल जाता है कि यहाँ पे सेलर्स ने आए, पोजिशन बनाया, फिर यहाँ पे रुकने की कोशिश किया बायर्स ने, फिर इस लेवल पे रुकने की कोशिश की। अब यहाँ पे बेस आउट हो रहा है, सभी को पता चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे बेस आउट होने के बाद यहाँ पे दो चार दिन और यहाँ पे सेल बायर्स इसको होल्ड करते हैं, उसके बाद ब्रेकडाउन होता है, इट मीन्स हम लोग को नीचे वाले जो लेवल्स हैं वो थोड़े तेजी से देखने को मिलेंगे 2900। और यहाँ पे चार पाँच दिन रुकने के बाद, दो चार दिन रुकने के बाद ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलता है, इट मीन्स हम लोग को ऊपर वाले लेवल्स अभी क्लियरली देखने को मिलेंगे। तो एक जो डायरेक्शन है वो हमारे लिए क्लियर हो जाएगा अगर इसके अंदर ही और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है ये। तो 1:15 टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई, नीचे की ओर गया, ठीक है। अभी नीचे की ओर जाने के बाद यहाँ पे बेस आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक ये अपने इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2980 के ऊपर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक हम लोग इसको इसी जोन में वॉलेटिलिटी मतलब प्राइस एक्शन पैटर्न बनाते हुए देखेंगे, ठीक है। इसके बाहर ये जल्दी जाएगा नहीं, इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो इसी जोन में जैसे हम लोगों ने बात किया रेड कैंडल के अंदर ही मोमेंटम करता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हो सकता है इसी कैंडल के अंदर मोमेंटम करे, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन पैटर्न है, यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग नीचे के फर्स्ट लेवल देख सकते हैं, लेकिन अभी दो तीन दिन बाद ब्रेकडाउन कर रहे तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज तुरंत करेगा तो फिर एक किसी भी एक सपोर्ट पॉइंट से हम लोग को बाउंस बैक अगेन ये देता हुआ नजर आएगा। और ऊपर की बात करें तो ऊपर की ओर देखेंगे आप तो यहाँ पे एक हमारे पास 3060 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 3080-90 के आसपास का हम लोग को लेवल देखने को मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।